हेलो माय मडे स्टूडेंट्स सो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों एंड दैट इज़ ह्यूमन हार्ट पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में यू नो ह्यूमन हार्ट को पढ़ना इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एंड अगर हम हमारे हार्ट की बात करें तो हमारा जो हार्ट है वो आपने सुना होगा पढ़ा होगा जस्ट एक फिस्ट के साइज़ का यानी कि एक बंद मुठ्ठी के साइज़ का होता है शेप आपको दिख ही रहा है इट इज़ कॉनिकल इन शेप और अगर हम इंटरनली ह्यूमन हार्ट को देखें तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों में ही हार्ट इज फोर चैम्बर्ड जिसकी वजह से डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा अलग अलग रहते हैं सेपरेटेड रहते हैं उनकी मिक्सिंग नहीं होती तो हमारे इस हार्ट में कौन कौन सी कवरिंग है कौन कौन से चैम्बर्स हैं इंटरनली एक्सटर्नली हार्ट कैसा दिखता है दिस इज द एक्सटर्नल व्यू अगर हम एंटीरियरली देखें पोस्टीरियरली देखें तो कौन सा चैम्बर किस तरह से दिखेगा वो थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल होता है तो वो सब हम आज के लेक्चर में डायग्राम्स के साथ पढ़ेंगे एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नीड में इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं सो लेट स्टार्ट विद ह्यूमन सर्क्युलेटरी सिस्टम ह्यूमन सर्क्युलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वैस्क्युलर सिस्टम दैट यू नो सिंपली आप इसको ब्लड वैस्क्युलर सिस्टम भी कह सकते हैं इट कंसिस्ट अ मस्क्युलर चैम्बर्ड हार्ट नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स यू नो दैट क्योंकि हमारे पास क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टम है एंड द फ्लूड विच इज सर्क्युलेटेड और वो कौन सा फ्लूड है जो हमारी बॉडी में सर्क्युलेट करता है हमने पढ़ा दो तरह का फ्लूड है एक ब्लड और एक लिम्फ तो अभी हम ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं ओके हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं हार्ट इज द नीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन ठीक है ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर आप स्टार बना लें कि अगर हम देखें जो हमारी तीन जर्मिनल लेयर्स हैं हैंक्टोडम मीजोडम और एंडोडम तो हार्ट का जो ओरिजिन ओरिजिन है वो मीजोडर्म से होता है बच्चों और वैसे भी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेनली जो हार्ट की लेयर है उनमें कार्डियक मसल सबसे ज़्यादा होती है और हमारा जो मस्क्युलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू है ये दोनों ही मीजोडम से ओरिजिनेट हुए हैं तो हार्ट भी किससे ओरिजिनेट हुआ है मीजोडर्म से इट इज सिचुएटेड इन द दोरेसिक कैविटी यू ऑल नो कहाँ पर है थोरासिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में दोनों लंग्स के बीच में एक छोटा सा जो स्पेस होता है बच्चों हार्ट के लिए जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा लेफ्ट लंग है वहां पर एक कार्डियक नॉच होती है और ये जो स्पेस है दिस इज फॉर हार्ट इस स्पेस को कहते हैं मीडिया स्टेनम क्या कहते हैं इस स्पेस को मीडिया स्टेनम जिसमें कि हमारा हार्ट प्रेजेंट है ओके तो ये वर्ड आप ऐड कर लेना यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है द स्पेस बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड मीडिया स्ट्रेनम ओके एंड जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि हमारी हार्ट बीट जो है वो हमें लेफ्ट साइड पर फील होती है तो इसका मतलब हार्ट लेफ्ट पर सिचुएटेड है बट यू मस्ट नो एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हमारा हार्ट लेफ्ट पर सिचुएटेड नहीं है हार्ट तो सेंटर में है बट इट इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट अगर हम ऐसे क्रॉनिकल बनाएं तो इसका ये जो कॉन वाला पार्ट है कॉनिकल पार्ट है वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है That's why we say कि हार्ट बीट जो है वो लेफ्ट में सुनाई देती है क्योंकि हमारे हार्ट के जो चार चैंबर्स है बच्चों उनमें से ये वाला चैम्बर इज लेफ्ट वेंट्रिकल और यही थिकेस्ट वॉल रखता है क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना है तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट है वो आपको कहां फील होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ दैट्स वाई हमें ऐसा लगता है कि हार्ट लेफ्ट साइड पर है बट एक्चुअली में डू रिमेंबर हार्ट सेंटर पे है टिलू द लेफ्ट ठीक है ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसे हाईलाइट कर लो स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट नाउ इट हैज द साइज ऑफ क्लैंश फिस्ट ये मैंने आपको बताया क्लांश फिस्ट का मतलब सिंपली बंद मुट्ठी ठीक है जो एक बंद मुट्ठी का साइज है छोटो इत, छो, सोचो इतना सा ऑर्गन आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है ये ऑर्गन थोड़ी भी देर रुक नहीं सकता कुछ सेकंड्स भी आराम नहीं कर सकता अगर हार्ट रुका तो बॉडी को ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाएगी ठीक है तो बिना रुके बिना थके लगातार अपना काम करता है बिल्कुल वैसे ही जैसा आपको नीट में सेलेक्ट होने के लिए करना है ओके बट हाँ हम तो क्योंकि हमारे ब्रेन को यूज़ करते हैं तो वी हैव टू टेक ब्रेक वो भी लेना बहुत जरूरी है खुद को रिफ्रेशिंग रखोगे तो पढ़ना अच्छा लगेगा चैलेंजिंग वे में पढ़ोगे और नई नई चीजें सीखने के लिए पढ़ोगे तो ज़्यादा मजा आएगा ठीक है नेक्स्ट इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग अब अगर हम हमारे हमारे हार्ट के कवरिंग की बात करें बच्चों तो जैसे हमने पढ़ा था कि लंग्स की कवरिंग को प्लूरा कहते हैं डबल लेयर्ड होती है बिल्कुल वैसे ही हमारे हार्ट में भी एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग है मेम्ब्रेनस लेयर है इस मेम्ब्रेनस लेयर ये जो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग है इस लेयर का नाम है पेरी पेरिकार्डियम ठीक है और जैसे वहां पर दोनों प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूड होता है वैसे यहां पर दोनों पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल कार्डियल फ्लूड प्रेजेंट होता है जो आपके हार्ट को कोई भी धक्का लगे शॉक लगे तो उससे बचाता है इट इटैक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर ठीक है अब यहां पर एक चीज हम ऐड करते हैं एनसीआरटी में तो लिखा है कि भाई जो हमारा हार्ट है वो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग से कवर्ड है बट अगर हम हार्ट की फर्दर लेयर्स देखें तो आप देखो इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हो ये जो लेयर आपको दिखाई है ये हार्ट की वॉल का सेक्शन लिया है ठीक है ये ऐसे वॉल लिए यहाँ पर ल्यूमेन है जहां ब्लड भरा हुआ है तो हार्ट की जो वॉल है उसमें सिर्फ पेरिकार्डियम नहीं है पेरिकार्डियम तो आउटर मोस्ट लेयर है सबसे बाहर की तरफ है और इसकी भी दो लेयर्स हैं आपको दिख रही है यहाँ पर जो सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम है उसको कहेंगे पेराइटल और जो उसके अंदर है वो हो गई विसरल जैसे प्लूरा में होता है पेराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा ठीक है वैसे ही पेराइटल पेरिकार्डियम विसरल पेरिकार्डियम अब पेरी कार्डियम के अलावा पेरिकार्डियम के अलावा आपको ये थिक लेयर दिख रही है ये क्या है ये हमारे हार्ट की नेक्स्ट लेयर है जिसको कहते हैं मायोकार्डियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम हमेशा बोलते हैं ना कि हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स तो वो कार्डियक मसल्स इसी मायोकार्डियम की लेयर में है और इसी की वजह से हमारा हार्ट लगातार पंपिंग करता है पेरिकार्डियम तो जस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसकी वजह से पंपिंग नहीं कर रहा मान लो नीट में क्वेश्चन आ जाए हार्ट पंप्स बाय लेयर तो आप पेरिकार्डियम टिक नहीं करेंगे तब आप टिक करेंगे मायोकार्डियम ठीक है अब मायोकार्डियम के अंदर एक लेयर और दिख रही है आपको दैट इज एंडोकार्डियम तो अगर हम ओवरऑल हार्ट के लेयर की बात करें तो हार्ट में तीन लेयर्स हैं कौन कौन सी आउटर मोस्ट लेयर इज द पेरिकार्डियम मिडिल लेयर इज द मायोकार्डियम एंड इनरमोस्ट लेयर इज द एंडोकार्डियम आप छोटा सा अपने एनसीईआरटी में इस तरह डायग्रामेटिक फॉर्म में बना सकते हैं कि अगर मान लो ये हम बना रहे हैं पेरिकार्डियम तो पेरिकार्डियम को पहले तो डबल लेयर बनाओ एक हो गई पेराइटल एक हो गई विसरल फिर उसके बाद होगी हार्ट में नेक्स्ट लेयर जो कि कार्डियक मसल्स की बनी है दिस इज मायोकार्डियम और सबसे अंदर दोबारा से एक एपिथिलियम की लेयर होगी सिंगल लेयर जिसको बोलते हैं एंडोकार्डियम दिस इज एंडोकार्डियम ठीक है जो रेड कलर से बनाई है मैंने दैट इज मायोकार्डियम ओके और ये जो दो लेयर हैं पेरिकार्डियम की इन दोनों के बीच में हमेशा एक फ्लूड भरा रहता है इस फ्लूड को क्या कहते हैं इस फ्लूड को कहते हैं पेरिकार्डियल कार्डियल फ्लूड ठीक है जो प्लूरल फ्लूड की तरह इसको प्रोटेक्ट करेगा डन समझ में आ गया आपको हार्ट की लेयर्स किस तरह से होती हैं तो कंफ्यूज होना कि मैम हमने तो पढ़ा है हार्ट में थ्री लेयर्ड कवरिंग होती है जबकि यहां लिख रहा है डबल वॉल्ड मेमरी बैग तो थ्री लेयर्ड कवरिंग में जो आउटर मोस्ट है वो वाली डबल वॉल्ड है ठीक है नाउ आर हार्ट हैज फोर चैम्बर्स अगर हम हार्ट को एक्सटर्नली देखें चाहे इंटरनली देखें तो आपको देखो हार्ट में चार चैम्बर्स दिखते हैं कि जरा इस डायग्राम को देखना ह्यूमन हार्ट रियल में कुछ इस तरह का दिखता है जब फर्स्ट ईयर में हम लोग डाइसेक्शन करते थे तो वहाँ पर बिल्कुल एकदम ह्यूमन हार्ट निकाल के देखना वॉज वेरी एक्साइटिंग है ना तो जब आप लोग भी अपने मेडिकल कॉलेज में पहुँचेंगे और वहाँ पे इस तरह से डाइसेक्शन करेंगे जो जो ऑर्गन्स आपने ह्यूमन फिजियो में अभी पढ़े हैं उनको रियल में देखने को मिलेगा तो वो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होगा तो इस तरह की चीजें भी सोचा करो जिससे थोड़ा पढ़ने के लिए और बूस्टअप होते हैं ठीक है तो ये अगर ह्यूमन हार्ट है तो ह्यूमन हार्ट में अगर आप बाहर से देखेंगे ना तो आपको ये जो दो दिख रहे हैं ना बच्चों ये दो बड़े बड़े पाइप हैं मोटे मोटे पाइप हैं जिसमें से हम आगे पढ़ेंगे कि ये यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये राइट right वेंट्रिकल का पार्ट है और ये जो निकल रहा है राइट right वेंट्रिकल से दिस इज पल्मोनरी ट्रंक यानी राइट वेंट्रिकल जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कल मैंने बेसिक सिखाया था आपको डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा तो यहां से पंप नहीं करेगा उसके ऊपर से एक पाइप जाता है दैट इज पल्मोनरी ट्रंक और वहां से वो ब्लड लंग्स की तरफ चला जाता है ऐसा नहीं है कि लंग्स में ब्लड भर जाता है मैंने आपको हमेशा कहा कि ब्लड हमेशा अपनी ब्लड वेसल्स में घूमेगा ब्लड कभी भी बाहर नहीं आएगा ब्लड वेसल से तो अगर हम कह रहे हैं लंग्स की तरफ ब्लड जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि लंग्स में जो एल्वियोल हैं उनके चारों तरफ जो कैपिलरीज हैं वो इसी पल्मोनरी ट्रंक की ब्रांचेस यानी इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं इनको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज उन्हीं से बना है ठीक है अभी हम पढ़ेंगे फर्दर इन सब की नेमिंग कैसे करते हैं तो आपको हार्ट में बाहर से और अच्छा खासा राइट वेंट्रिकल दिखेगा उससे निकलता हुआ पल्मोनरी ट्रंक दिखेगा दिस इज ऑल फॉर द डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से बच्चों इसके ना से पीछे की तरफ से ये पाइप निकलता हुआ घूमता हुआ नीचे जाता है तो ये जो राइट वेंट्रिकल है इसके पीछे से ये पाइप ऐसे नहीं दिख रहा है घूमता तो 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 हुआ।, हुआ हार्ट के पीछे से फिर बॉडी में नीचे आ जाता है और इसी एओटा से इतनी सारी ब्रांच निकलती हैं सोचो कि आपकी पूरी बॉडी को जो ब्लड सप्लाई होती है वो इसी एटा की ब्रांचेस से होती है इस तरह से इसको नेचर डिजाइन किया है हम आगे देखेंगे कैसे ठीक है ये समझ में आ गया आपको देन और क्या दिख रहा है हमें हार्ट से बाहर से ये जो आपको एक छोटा सा चैम्बर दिख रहा है ये है राइट एट्रियम और यहां पर थोड़ा सा पार्ट लेफ्ट एट्रियम ना थोड़ा पीछे की तरफ ज्यादा होता है तो दिस इज द पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम ठीक है तो चारों चैंबर्स हमको दिखते हैं कई बार बुक्स में एट्रियम की जगह ऑरिकल भी लिखा रहता है तो एक्चुअली क्या होता है एन में तो एट्रिया वर्ड ही यूज़ किया है क्योंकि ऑरिकल्स क्या होते हैं बच्चों कि हमारे ये जो एट्रियम है ना जैसे अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ तो आपको ये राइट एट्रियम दिख रहा है और लेफ्ट एट्रियम क्या है पीछे घुमा हुआ है जैसे हम हार्ट को पलट देंगे पोस्टीरियरली देखेंगे तो हमको बहुत अच्छे से लेफ्ट एट्रियम दिखेगा तो इन्हीं एट्रियम से के छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं उन प्रोजेक्शंस को ऑरिकल्स कहते हैं

Relatively small upper chambers. कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमारे हार्ट में जो चार चैंबर्स हैं चारों साइज में इक्वल हैं। नहीं बच्चों। एट्रियम हमेशा छोटे होते हैं आपने देखा है यहाँ पर एट्रियम आर स्मॉल चैम्बर्स और वेंट्रिकल बड़े हैं जरूरी भी है क्योंकि एट्रियम को सिर्फ ब्लड अपने नीचे वाले वेंट्रिकल में पंप करना है

टू लार्जर लोअर चैंबर्स ठीक है देन अगर हम इनके सेपरेशन की बात करें तो इंटरनली जब हम देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर तो देखो अब देखो यहां पे आप कंफ्यूज मत होना आपकी एनसीआर का डायग्राम है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें कई बार बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं इन दोनों को एट्रियम समझ लेते हैं ये दोनों तो वेंट्रिकल हैं बट ये दोनों एट्रियम नहीं आप ध्यान से देखो ये अगर राइट वेंट्रिकल है ये अगर राइट right वेंट्रिकल दिख रहा है आपको तो इसके जस्ट ऊपर ये तो राइट right एट्रियम है ठीक है भाई यहां से ब्लड यहां आ जाएगा अब ये देखो ये हार्ट का चैम्बर नहीं दिखाया बच्चों यहाँ से तो ये आपको पाइप कट करके दिखाया है वो जो पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है ना उसको कट करके दिखा एकदम अच्छा खासा मोटा पाइप होता है तो ये जो सेक्शन है दिस इज ऑफ पल्मोनरी ट्रंक पहले इसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं इवन इसको पल्मोनरी एओर्टा भी कह देते हैं जब नीट में चार ऑप्शन आते हैं ना तो एओर्टा पढ़ते हमको लगता है कि भाई ये इस एओर्टा की बात हो रही है बट नहीं यहाँ पे आप लिख लो जो पल्मोनरी आर्टरी लिखा है इन्होंने वो तो एक्चुअली इन दोनों को कहना चाहिए ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहना चाहिए इसको एक मिनट रुको इसको मैं सही से लेबल कर देती हूं आप भी इस तरह से मॉडिफाई कर लो ये जो आपको दिख रहा है इसको लेबल करना चाहिए पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी एओर्टा ठीक है और उससे जो फर्दर दो ब्रांच निकल रही हैं इनको कहना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी बट ठीक है अगर नीट में एज इट इज डायग्राम हो और आपसे लेबल करवा दें तो आप डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी भी कर सकते हो ठीक है और ये देखो ये ऐसे यहाँ से पीछे से ये रही दो आर्टरी ये रही दो आर्टरी इधर की दोनों आर्टरी कौन से लंग में यहाँ वाला लेफ्ट लंग और इधर की राइट लंग में एंटर कर जाएगी फिर कैपिलरीज आर्टरी में कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी ब्लड उनमें घूमेगा और घूमते घूमते अपनी सी टू लंग्स को दे देगा और लंग्स से क्या ले लेगा ऑक्सीजन ले लेगा तो लंग्स में घूमते घूमते ही जब ब्लड एल्वियोलाई की परिक्रमा दे रहा है ना तो उसी दौरान ब्लड का क्या हो जाएगा ऑक्सीजनेशन हो जाएगा ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी नाउ ब्लड विल गेट ऑक्सीजनेटेड अब लंग्स में से वो ब्लड फ्लो करता हुआ वापस हार्ट में आना है तो हार्ट में अब इस ब्लड को रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रिसीव करेगा ये दिख रहा है आपको छोटा सा चैम्बर ये इतना छोटा नहीं है ये एक्चुअली पीछे की तरफ है काफी मोटा तो दिस इज लेफ्ट एट्रियम ठीक है एंड बताओ लेफ्ट एट्रियम किसके थ्रू ब्लड रिसीव करेगा लंग से कौन आ रहा है ब्लड लेकर पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं ठीक है पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर तो हमें जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर वो ये कि यार ये आर्टरी और वेन का नाम कैसे बदल गया वैसे मैंने ब्रीदिंग सिस्टम में भी तुम्हें बताया था कि हमारी पूरी बॉडी में जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती हैं ऑर्गन्स तक और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं लंग्स अकेले ऐसे ऑर्गन है हमारी बॉडी के जो हार्ट से कैसा ब्लड रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड और हार्ट की तरफ कैसा ब्लड भेजते हैं ऑक्सीजनेटेड तो आर्टरी और वेन का तो कॉन्सेप्ट सही है आर्टरी वो होती है जो ऑर्गन की तरफ ब्लड ले जाए वेन वो होती है जो हार्ट की तरफ ब्लड लाए तो भाई पल्मोनरी वेन हार्ट में ला रही है ब्लड को तो उसका नाम वेन ही होना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ ले जा रही है ऑर्गन की तरफ तो इसका नाम आर्टरी ही होना चाहिए बट इनमें ब्लड एक्सेप्शन है कि नॉर्मली आर्टरीज में ऑक्सीज़नेटेड ब्लड होता है बट पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरी दी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड समझ गए क्या इसी तरह इसी तरह पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्यों हमेशा एक बात याद रखो कभी नीट में कंफ्यूज नहीं होगे कि हमारी बॉडी में लंग्स अकेले ऐसे ऑर्गन्स हैं जो सीओ टू वाला ब्लड रिसीव करते हैं और ओ टू वाला ब्लड हार्ट की तरफ भेजते हैं ठीक है समझ में आ गया तो पल्मोनरी वेन्स देखो दो इधर से आ रही है और दो इधर से आ रही है ये मत समझना कि ये दोनों यहां खुल रही हैं राइट right एट्रियम में क्या काम वेन्स तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं तो ये यहाँ पीछे से होती इधर राइट right, ये लेफ्ट एट्रियम पीछे भी है ना उनमें खुल जाती हैं जैसे आप इस डायग्राम से देखो तो अगर हम हार्ट को डॉर्सल साइड से देखें तो हमारे हार्ट में ये दोनों तरफ से दो दो पल्मोनरी वेन्स आकर प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल रही हैं वैसे प्योर एंड प्योर से ज्यादा अच्छा है आप हमेशा ऑक्सीजनेटेड और डी बोला करो क्योंकि प्योर एंड प्योर वर्ड है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूज करेंगे हम जब ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे तो उसको इम्प्योर कहेंगे जब वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर हो जाएंगे तो उसको प्योर कह देंगे ठीक है क्लियर नाउ नाउ तो ये आपको समझ में आया किस तरह ये डायग्राम बना हुआ है अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में तो इस डायग्राम में आपको चारों चैम्बर्स कहाँ दिखाएं ये रहा लेफ्ट एट्रियम ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल और देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा कैसे कनेक्ट हो रहा है भाई हमें लगता है इन दोनों का क्या कनेक्शन है तो अगेन पीछे से ये कनेक्ट हो रहा है तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो अगर ये हमारा कहाँ दिखाया ये, ये लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाया है तो एट्रियम को हटाओगे ना तब जाके इस पाइप का कनेक्शन इसके साथ आपको दिखेगा ठीक है समझ में आ गया हमेशा ध्यान रखो जैसे ये ऑर्टा मुड़ता है आर्च ऑफ एटा पे तीन ब्रांचेस दिखती हैं आपको ठीक है समझ में आ गया यहाँ तक तो ये हमारे हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ इंटरनली भी अगर हम देखें इस डायग्राम को आप सिंप्लीफाई करके बना भी सकते हो मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वर्जन ड्रॉ करके पीडीएफ नोट्स में अवेलेबल करा दूंगी आप बना लेना ठीक है ये जो इंटरनली uh, अगर हम हार्ट को देखें तो मैं यहाँ पर हल्का सा आपको बता देती हूँ तो देखो कि इंटरनली हार्ट में सेप्टम कौन कौन से हैं बच्चों तो अगर हम ऐसा देखें कि मान लो ये हमारा हार्ट है भाई और इसमें हम कह रहे हैं कि दो एट्रियम है ये रहा है ना दोनों के बीच में गैप होगा ना उन सब के लिए ट्रंक के लिए एटा के लिए इससे थोड़ा दूर दूर बना दिया है और ये वेंट्रिकल्स हैं राइट वेंट्रिकल ये लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है तो दोनों एट्रिया को सेपरेट करते हुए बीच में ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ तो ट्रंक है उसके अलावा जो बीच में टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है वो है इंटर एट्रियल सेप्टम यानी दोनों एट्रिया के बीच में जो वॉल होगी उसको क्या कहेंगे बच्चों उसको कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम कुछ नाम है जो नीट में कंफ्यूज करते हैं उन्हें समझ लो इसी तरह दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी गैप होगा क्या हाँ भाई दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी होगा थोड़ा सा ज्यादा ही बनाते हैं हम इस गैप को ये एक वेंट्रिकल रहा ये दूसरा वेंट्रिकल रहा तो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो गैप है गैप का मतलब एकदम कनेक्टिव टिश्यू आ गया वहां पर फाइब्रस सेप्टा आ गया जिससे इधर का ब्लड इधर ना जाए इधर का इधर ना जाए इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कह दें इसको इंटर वेंट्रिक्युलर सेप्टम ठीक है और और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम है क्या ये रहा इस सेप्टम में तो कनेक्शन है भाई इस सेप्टम सेप्टम में तो 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 का का ब्लड ब्लड और यहां आ सकता है बट सेप्टम तो है तो है है बट एक सेपरेशन ये वाला जो, जो जोन ठीक है थीके? उसको मैं पूरा बंद नहीं कर रही हूं अगर ऐसे पूरा शेडेड कर दूंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर का नीचे से कनेक्शन कैसे है ठीक है बट ये वाला जो, जो जोन है इस जोन को थोड़ा सा मैं इसको ग्रीन शेडेड कर देती हूँ ऐसे है ना इस जोन को कहते हैं इस जोन को कहते हैं एवी एट्रियो एट्रियोक्यूलर सेप्टम तो हार्ट में इंटरनली तीन सेप्टा हो गए इंटर एट्रियल इंटरवेंट्रिकुलर एंड दिस इज एट्रीओवेंट्रिकुलर सेप्टम और कहां कहां पे कनेक्शन होंगे सिर्फ इसी में दो खुली जगह है जहां से ऊपर का ब्लड नीचे आ सकता है यहां और यहां कभी कोई छेद नहीं होना चाहिए वरना फिर ब्लड मिक्स हो जाएगा कुछ बच्चों में तुमने सुना है कई बार बोलते हैं दिल में छेद है तो वो एक्चुअली दिल में छेद का क्या मतलब है कि दिल में बाहर की तरफ छेद थोड़ना है कि ब्लड बाहर बॉडी में निकल रहा है उसका मतलब होता है कि यहाँ पर दोनों एट्रियम के बीच में कुछ ओपनिंग रह जाती है जिसकी वजह से ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है उसको कहते हैं कि भाई एट्रियल डिफेक्ट है दिल में छेद है ठीक है उसके थोड़ा सा उसके बारे में ज़्यादा है नहीं एन में एम्ब्रियनिक और फीटल हार्ट में और हमारे में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा बता दूंगी ठीक है क्लियर चलो बताई देती हूँ एक्चुअली क्या होता है जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना तो आ, ब्लड को लंग्स में जाने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप सोचो जब एम्ब्रियो अपनी मदर में है तो वो सांस ले रहा है क्या अलग से उसके पास कोई पंप लगा हो या कहीं से एयर आ रही हो उसके लंग्स इनएक्टिव होते हैं बच्चों बच्चा फर्स्ट ब्रीदिंग कब करता है जैसे ही मदर के बाहर आता है जब तक वो मदर में है तब तक उसके लिए ऑक्सीजन का सोर्स क्या है प्लेसेंटा सीओ टू भी कहाँ निकालनी है प्लेसेंटा के थ्रू मदर में डालनी है ठीक है तो वहां पर अननेसेसरी ब्लड को हार्ट से लंग्स से घूम कर आने की क्या जरूरत है तो इसलिए कुछ बाईपास रूट्स होते हैं तो यहां का ब्लड सीधा यहां आ जाता है तो दोनों के बीच में कनेक्शन होता है फोरा मैन ओवल का तो जब क्या होता है जब यहां पर अगर बाई चांस उस जब उस बच्चे का नॉर्मली जब बर्थ होने वाला होता है ना तो उस फोरा मैन ओवल को बंद कर देती है वहां पर कनेक्टिव टिश्यू भर जाता है जिससे यहाँ के ब्लड की इधर से मिक्सिंग ना हो पर कुछ बच्चों में वो खुला रह जाता है और खुला अगर वो रह गया है तो फिर उसमें कहते हैं कि उसमें जब से वो बॉर्न हुआ है कंजेनाइटल डिफेक्ट है कि भाई दिल में छेद है जिसकी वजह से ब्लड की मिक्सिंग हो रही है तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा अगर वो कोई भी भागने दौड़ने की एक्सरसाइज करता है जब बॉडी को ज्यादा ब्लड की जरूरत है ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो नहीं कर पाता चक्कर खा जाएगा बेहोश हो जाएगा और नॉर्मली वो बच्चा वीक भी होता है फिर सर्जरी होती है मेजर सर्जरी जिसमें उस डिफेक्ट को क्लोज कर दिया जाता है ठीक है समझ में आया तो बस इतनी सी नॉलेज बहुत है आप लोगों के लिए नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक तो हार्ट के इंटरनली तीन सेप्टम हो गए क्या इंटर इंटरवेंट्रिकुलर और एवी सेप्टम ठीक है इस एवी सेप्टम में ये जो दो जगह ओपनिंग्स हैं राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमेशा ध्यान है, ये हार्ट का राइट साइड है ये हार्ट का लेफ्ट साइड है ठीक है कभी कंफ्यूज नहीं होना है दिस इज द राइट साइड ऑफ हार्ट दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ओके तो तो राइट में जो ओपनिंग है बच्चों उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे हार्ट में यहाँ पर तीन कस्प का एक वॉल्व होता है एक वॉल्व होता है मसल्स का एक मस्क्यर स्ट्रक्चर होता है जैसे दरवाजा नहीं खुलता बंद होता है बिल्कुल वैसे इसमें तीन कस्प होते हैं दैट्स आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा इस कहते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व राइट साइड पे ट्राई कंफ्यूजन हो तो हमेशा ध्यान रखो राइट साइड पे होता है ट्राई कस्पिड वॉल्व ठीक है इसी तरह लेफ्ट साइड पर इस ओपनिंग को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दो कस्प का वॉल्व होता है तो इसको कहते हैं बाय स्पिड वॉल्व या ज्यादातर नीट में क्वेश्चन आता है तो मीटरल वॉल्व के नाम से आता है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीटरल वॉल्व ठीक है दोनों वॉल्व्स याद रहेंगे कहाँ प्रेजेंट हैं दोनों वॉल्व्स एवी सेप्टम पर क्या मैं इन दोनों वॉल्व्स को कलेक्टिवली एवी वॉल्व्स कह सकती हूं क्योंकि दोनों कहाँ हैं एवी वॉल्व एवी सेप्टम पे तो ध्यान रखना ट्राई कस्पिड प्लस बाय कस्पिड को मिलाकर क्या कहते हैं ए वी वॉल्व नीट में जब भी क्वेश्चन आएगा या तो ऑप्शंस में एवी वॉल्व लिखा मिलेगा या फिर ट्राई का स्पीड एंड बाई लिखा मिलेगा ठीक है डन तो ये हमारे हार्ट के इंटरनली कुछ सेप्टा हो गए इनके बारे में देखिए जरा एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है अ थिन मस्कुलर वॉल मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया यानी राइट एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच में जो सेप्टम है ना जिसको कि आप बोलोगे इंटर एट्रियल सेप्टम उसके लिए एनसीईआरटी में लिखा है ये कंपैरेटिवली थिन होता है और ये भी मस्कुलर वॉल का ही बना हुआ है ओके जबकि वेयर एज अ थिक वॉल्ड ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना बच्चों एनसीईआरटी में यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको नीट में परेशान करते हैं ऐसे तो सब पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई इंटर एट्रियल सेप्टम है वेंट्रिकुलर वैंटर सेप्टम है बट कौन थिनर है कौन थिकर है कौन मसल्स का बना है कौन कनेक्टिव टिश्यू का बना है तो यहाँ पर लिखा है अ थिक वॉल्ड interventricular septum separate the left and right ventricle left and right ventricle द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल अच्छा चलो इस पर बाद में आते हैं तो पहले तो दोनों सेप्टम के बारे में बता दिया इन्होंने कि भाई जो इंटर एट्रियल सेप्टम है और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है दोनों वर्ड्स को हाईलाइट कर देना दोनों में से दोनों में से ये थिनर है जबकि ये वाला थिकर है कंपैरेटिवली ठीक है और देखो एक और बात याद रखना यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज़ किया है मस्क्युलर वॉल तो मतलब ये जो इंटर एट्रियल और इंटरवेंटिकुलर सेप्टम है ना ये मेनली मस्क्युलर है कनेक्टिव टिश्यू की जो मैं बात कर रही थी वो मेनली एवी सेप्टम में प्रेजेंट है लिखा है एनसीआरटी में आगे देखो कि द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड इज ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रीओवेंट्रिकुलर सेप्टम तो हम हमारे डायग्राम में भी ये चीजें एड ऑन कर लेते हैं कि भाई जो इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर सेप्टम है ये कैसा है ये थिन एंड मस्क्युलर है ठीक है जबकि ये थिक एंड मस्क्युलर है तो ये तो मस्क्युलर ही है तो मसल्स के ही बने हुए हैं सेप्टम भी लेकिन जो एवी सेप्टम है उसके लिए हमको याद रखना है इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दिस इज अ फाइब्रस सेप्टा ठीक है दिस इज द की वर्ड जो आपको ध्यान रखना है थिक फाइब्रस टिश्यू क्लियर हाउ एवर ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग एवी सेप्टा पर ओपनिंग प्रेजेंट है जिसके थ्रू सेम साइड के जिसके थ्रू सेम साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल कनेक्टेड रहते हैं द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई विच इसका नाम है ट्राइकस्पिड वेयर एज या भी कहते हैं इसको ध्यान रखना प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ओके द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन टू द पल्मोनरी आर्ट्री एंड एओर्टा आर प्रोवाइडेड विद द सेमी सेमील्यूनर वॉल्व अब मैं तुम्हें सेमील्यूनर वॉल्व के बारे में बताती हूँ ये कौन से वॉल्व हैं बच्चों? हमने कहा कि भाई यहाँ तो हमने वॉल्व देख लिए है ना जो राइट एट्रियम ब्लड रिसीव करेगा वो वेना केवा से करेगा अभी हम पढ़ेंगे लेफ्ट एट्रियम जो ब्लड रिसीव करेगा वो पल्मोनरी वेन से करेगा पल्मोनरी आर्टरी से नहीं किससे करेगा पल्मोनरी वेन से करेगा लेकिन लेकिन अगर हम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो ये जब ब्लड को पंप करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा अगर नीचे की तरफ जाता तो तो ठीक था वेंट्रिकल उसमें ब्लड को डाल देता ग्रेविटी के अलॉन्ग ही पर लंग्स तो दोनों साइड में हैं तो राइट right वेंट्रिकल को ब्लड कैसे पंप करना है अगर ये हमारा हार्ट है तो राइट right वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड आएगा दोनों तरफ उसकी ब्रांचेज जाएंगी आर्टरी और वहाँ से ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा तो यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी पंप करना है ना तो राइट right वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा किसमें हम थोड़ा सा समझने के लिए इस डायग्राम को ऐसा करते हैं एक बार कॉपी कर लेते हैं इसी डायग्राम को हम चेंज करेंगे तो आप बाद में बना नहीं पाओगे ठीक है अब इस सेकेंड डायग्राम में ये तो आपके लिए एज इट इज है आप बना लेना अब इस सेकेंड डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे ब्लड वेसल्स निकल रहे हैं हार्ट से तो राइट right वेंट्रिकल से ये ट्रंक निकल रहा है है ना इस ट्रंक को हम क्या बोल रहे हैं पल्मोनरी ट्रंक जिससे हम कह रहे हैं आगे जाकर आर्टरीज बनेंगी पल्मोनरी आर्टरी ठीक है जो आगे जाकर डिवाइड हो जाएगी दोनों लंग्स की तरफ चली जाएगी ठीक तो ये जो पल्मोनरी ट्रंक मैंने बनाया है पल्मोनरी ट्रंक या आप इसको कह सकते हो पल्मोनरी एओर्टा इसमें राइट वेंट्रिकल कैसा ब्लड पंप करेगा इसमें राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा तुम सोचो जैसे इसने ब्लड को पंप किया तो ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है बहुत आसान है ब्लड का बैक फ्लो होना तुरंत ब्लड प्रेशर के साथ नीचे आ जाएगा तो वो ना हो इसके लिए इसके लिए क्या होता है बच्चों इस पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग पर अगेन वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिनको आप कहते हो जिनको कहते हो सेमील्यूनर वॉल्व इस तरह हाफ मून शेप के वॉल्व होते हैं इसलिए इनको कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व ठीक है एक तो यहाँ सेट हो गया सेमी सेमील्यूनर वॉल्व का एक सेट और है इन्हीं सेम वॉल्व्स का कहाँ देखो जैसे यहाँ से पल्मोनरी एओर्टा निकल रहा है वैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक पाइप निकलता है क्या मोटा सा एओर्टा ऐसे इधर से निकलता है इधर से हार्ट से घूमता हुआ हार्ट के पीछे से होता हुआ नीचे आ जाता है ठीक है तो अगर हम यहाँ पर समझने के लिए हम उसको यहीं बना रहे हैं अगर हम यहाँ पर एक एओर्टा बनाएं जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जा रहा है पूरी बॉडी में ऐसे घूमेगा क्या वो देखो आपके आपकी एनसीईआरटी में बता रखा है क्या डायग्राम में ये रहा पल्मोनरी ट्रंक के ऊपर से क्रॉस होता हुआ हार्ट के पीछे से आएगा निकल के ठीक है यहाँ से पीछे से यहाँ पे निकलता है बाहर की तरफ तो ये जो एओर्टा है अगर हम इसको यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है सिर्फ समझने के लिए तो ये इस तरह कुछ घूमता हुआ जस्ट अ मिनट टाइम तो ज़रा तुम्हारे तो लिए सही से बना सकूँ मिक्स ना हो चीज़ें पलमोना ट्रंक को इधर कर देते हैं हम्म ये रहा ये की पहचान है कि जब ये घूमता है तो वहाँ पर तीन ब्रांचेस देता है अब गायब नहीं हो गया ऑटा हार्ट के पीछे से होता हुआ यहाँ निकल कर आ जाएगा ठीक है बात समझ में आई ये डॉटेड डॉटेड हल्का सा बना देती हूँ जिससे आपको ध्यान रहे ठीक है और फिर ऐसे बॉडी के सेंटर में होगा और फिर दोनों लेग्स की तरफ डिवाइड हो जाएगा तो सोचो जब ये ऊपर घूमा हार्ट के जस्ट ऊपर से तो इससे जो तीन ब्रांचेस निकली ना ये हैंड्स ऊपर के पार्ट सबके लिए है और जब ये घूमा हार्ट के पीछे से गुजरा तो हार्ट के लिए भी इससे ब्रांचेस निकलेंगी अभी हम पढ़ेंगे हार्ट अपने अंदर का ब्लड यूज नहीं करता हार्ट की भी सेल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए न्यूट्रिय चाहिए तो हार्ट कहेगा भाई मेरे पास क्या कमी है मेरे तो अंदर ब्लड ही ब्लड भरा हुआ है मैं जब चाहे ब्लड से ऑक्सीजन ले लूँ जब चाहे न्यूट्रिय ले लूँ नहीं हार्ट बड़ा ईमानदार है हार्ट अपने अंदर के ब्लड से कुछ नहीं लेता बल्कि जो एआटा घूमते हुए जाता है तो जब ये इधर से क्रॉस होता है ना हार्ट के पीछे से तो वहाँ से हार्ट के लिए भी आर्टरीज निकलती हैं बच्चों उन्हें कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज लास्ट में आएगा इस टॉपिक में जो तो हम कार्डिक साइकिल के बाद बढ़ेंगे आगे ठीक है और फिर एआटा जब एबडामन से क्रॉस होता है तो जितने भी ऑर्गन्स हैं किडनीज के लिए रीनल आर्टरी स्प्लीन के लिए स्प्लिनिक आर्टरी स्टमक के लिए इंटेस्टाइन के लिए लिवर के लिए सब के लिए ब्रांचेस देता है ठीक है जिससे कि ब्लड सप्लाई हर ऑर्गन को मिल सके और फिर दोनों लेग्स में चला जाता है ठीक है समझ में आया तो देखो इतने से हार्ट ने बॉडी के सेंटर में रहते हुए भी बॉडी के हेड से लेकर टो तक हर ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाया है विद द हेल्प ऑफ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स ठीक है समझ में आ रही है चीज़ें थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकली इमेजिन करके पढ़ोगे तो कोरिलेट कर पाओगे ईजीली नाउ अब तो अब इसको आ, ये जो आपका लेफ्ट वेंटिकल है इसको ब्लड को पंप करना है और डामे तो सोचो इसने भी ऐसे अगेंस्ट द ग्रेविटी प्रेशर लगाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ फेंका इसमें फेंका तो वो भी बैक फ्लो हो सकता था तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर भी क्या होता है जैसा यहाँ है इसको मैं सेम कलर से बना देती हूँ दोनों जगह दोनों पाइप्स में क्या होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व का सेट होता है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ठीक है इन वॉल्व्स को क्या कहते हैं दीज आर दीज आर सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हाफ मून शेप्ड वॉल्व एस एल वी ठीक है इनको कहा ए वी वॉल्व वो हो गए एस एल वी कहाँ पर हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स एट पल्मोनरी एओर्टा एंड ये सिस्टम की तरफ जा रहा है इसलिए इसको कह देते हैं सिस्टेमिक एओर्टा ध्यान रहेगा भूलोगे तो नहीं कौन से वॉल्व कहाँ कहाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे ठीक है तो हमारे हार्ट के चैम्बर्स को सेपरेट करने के लिए तो एवी एवी सेप्टम और हमारे वेंट्रिकल से ब्लड जब पंप होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी तो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए सेट ऑफ वॉल्व्स एओर्टास पे भी प्रेजेंट हैं जिनको आप कहते हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स ठीक है समझ में आ गया अच्छे से सारे वॉल्व्स ओके एक चीज और देखना यहाँ पर हाँ यहाँ पर आगे क्या लिखा है द वॉल्स इन द हार्ट वॉट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व जो हमने अभी अभी पढ़ा वॉल्व का फंक्शन है हाईलाइट कर दो इसे दे अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन अगर ए वी वॉल्व्स हैं तो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड भेजेंगे अगर सेमी लिनर वॉल्व्स हैं तो वेंट्रिकल्स से पल्मोनरी आर्टरी या एओटा में ब्लड भेजेंगे ठीक है दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो अब एनसीआर में तो हार्ट के स्ट्रक्चर में बस इतनी ही बातें की है उसके बाद सीधा नोडल टिश्यू समझाया है बट मैं तुम्हें एक दो एडिशनल चीज़ें और बता देती हूँ वेंट्रिकल से ब्लड कैसे जा रहा है वो तो हमने समझ लिया एट्रियम में ब्लड जो रिसीव हो रहा है उसके लिए अभी हमने स्ट्रक्चर देखे ना एनसीआरटी में कि भाई इसको तो इसको तो ब्लड किससे मिल रहा है पल्मोनरी वेन से और इसको ब्लड किससे मिल रहा है तो राइट एट्रियम को बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है बच्चों उसके लिए दो मोटे पाइप हमारी बॉडी में लगे हुए हैं एक मोटा पाइप नीचे से आ रहा है पीछे की तरफ से इसमें खुलेगा एक मोटा पाइप ऊपर से आ रहा है जो ऊपर के ऑर्गन से ब्लड लेगा देखो ये दोनों इसकी ब्रांच मत समझ लेना ये जो दो ब्रांच आपको दिखाई है ना ये जो दो ब्रांच आपको दिखाई है, है ये पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच है बच्चों मिक्स मत कर देना ये क्या है दीज आर पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी इधर इधर जा रही है ठीक है ये इससे कनेक्टेड है इससे कनेक्टेड है ये ओके तो अब ये जो पाइप आ रहा है ना ऊपर से इसको तो कहते हैं सुपीरियर वेना केवा वेना केवा ठीक है और ये जो पाइप नीचे से जा रहा है ये इसमें नहीं खुलेगा ये पीछे से घूमता हुआ राइट एट्रियम में कनेक्ट होगा देखो ओपनिंग से दिख रही हो तो आपको इसको लिख लो वेना केवा शॉर्ट में एस वी सी आईवीसी ठीक है इन सब के नाम इंपॉर्टेंट है एस वी सी दिस इज आईवीसी सुपीरियर वेना केवा एंड वेना केवा ये पूरी बॉडी से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है ये भी पूरी बॉडी से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है और अल्टीमेटली दोनों कहाँ खुलते हैं राइट एट्रियम में ठीक है अब जो इससे ब्लड आ रहा है राइट right एट्रियम में वो तो ग्रेविटी के अलॉन्ग ही आएगा कोई दिक्कत नहीं है इससे जो ब्लड आ रहा है तो वो अगेन अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है तो हो सकता है वो ब्लड का वापस बैक फ्लो हो जाए तो एनसीआरटी में तो नहीं दिया बट इस इंफीरियर वेना केवा जब इसमें खुलती है ना तो इसको भी गार्ड करता है एक यूस्टेशियन वॉल्व तो याद रख सको तो रख लेना कोई जरूरी नहीं है यूस्टीचियन वॉल्व ठीक है एनसीआरटी में नहीं दिया तो पूछने के चांसेस बहुत कम है तो अगर आपसे पूछें कि राइट एट्रियम कहां से ब्लड रिसीव करता है या राइट एट्रियम में कितनी ओपनिंग्स हैं तो राइट एट्रियम में हम भी हमारे इस डायग्राम में बना लेते हैं राइट एट्रियम में देयर आर थ्री ओपनिंग्स मैंने तो तुम्हें दो ही बताई है तीन कौन सी हो गई भाई एक तो मैं तुम्हें कह रही हूं बॉडी के ऊपर से ब्लड आ रहा है एसवीसी के थ्रू हार्ट के ऊपर से मतलब एक यहाँ नीचे से आ रहा है बट हम सीधा यहीं बना रहे हैं आईवीसी वी वेना केवा के थ्रू और एक ध्यान से सुनना हम कह रहे हैं कि जब एओर्टा हार्ट से जाता है तो वो हार्ट के लिए कुछ कोरोनरी आर्टरीज देता है तो आर्टरीज से कैपिलरीज भी बनेंगी तो फिर कैपिलरीज रीयूनाइट होकर कोरोनरी वेन्स भी बनाएंगी तो कोरोनरी वेन्स जब खुलती हैं तो वो इन केवा में नहीं खुलती बच्चों कोरोनरी वेन सीधा एक कोरोनरी साइनस बनाती है देखो इसमें तुमको एक छोटा सा ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये देखो ये कितने अच्छे से इसमें हार्ट की आर्टरीज और वेन्स बताई हैं ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करेंगी ओके तो ये जो आर्टरीज हैं वेन्स हैं तो वेन्स जो हैं वो सारी किसमें खुलती हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड कोरोनरी साइनस ओके और ये कोरोनरी साइनस भी किसमें खुलेगा राइट right एट्रियम में क्योंकि डी ब्लड कहां डालना है राइट right एट्रियम में तो राइट right एट्रियम में तीन ओपनिंग्स होती हैं वन टू थ्री सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा और ये किसकी ओपनिंग है दिस इज कोरोनरी साइनस दिस इज कोरोनरी साइनस कोरोनरी यानी ये हार्ड से ब्लड को कलेक्ट करके लाया है ठीक है तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे हार्ट के पास टू द हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट का एक स्पेशल सर्कुलेशन प्रेजेंट है जिसमें एटा हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करेगा और हार्ट से ही ब्लड इकट्ठा करके कोरोनरी साइनस हार्ट में ही ब्लड डाल देगा ठीक है समझ में आए छोटी सी लाइन है एनसीआरटी में आगे आएगी तब हम देखेंगे ओके तो सबके चैम्बर्स सबके ओपनिंग्स क्लोजिंग समझ में आ गई क्या किसके पास कौन सा वॉल्व है कौन से पाइप्स हैं तो एक बार हम समराइज करें तो राइट एट्रियम के पास तीन ओपनिंग्स हैं एस आई कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम ब्लड को भेज देगा राइट right वेंट्रिकल में राइट right वेंट्रिकल से निकल रहा है पल्मोनरी ट्रंक जो ब्लड को ले जाएगा लंग्स की तरफ बाय पल्मोनरी आर्टरीज इसको आप पल्मोनरी एवल्टा भी कहते हो ठीक है लंग्स से घूमता हुआ ब्लड अल्टीमेटली आएगा लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को कौन ला रहा है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को ला रहा है दो इधर से आ रही हैं और दो इस तरफ से आ रही हैं तो मैं सीधा यहीं बना रही हूँ ठीक है ये क्या है दीज आर द पल्मोनरी क्या कहूं इनको मैं ला तो ये ब्लड रही हैं बट ये लंग्स से आ रही हैं ना हार्ट में खुल रही हैं तो ये आर्टरी तो हो नहीं सकती तो दीज आर पल्मोनरी वेन्स पल्मोनरी वेन्स अकेली ऐसी वेन्स हैं विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी तरह पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी ट्रंक जो डिवाइड हो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में ये अकेली ऐसी आर्टरी हैं विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लंक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है समझ में आ गया क्या अब लेफ्ट एट्री ब्लड को कहाँ पंप कर देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्स के साथ ब्लड को भेज देगा एटा में स्ट्रोक मारेगा जिससे ब्लड एओटा में चला जाए हर बार थोड़ा थोड़ा ब्लड जाता रहेगा ओके okay? समझ में आ गया आपको हार्ट का स्ट्रक्चर नाउ लास्ट में एक चीज और देखना कि हमारा ये जो पूरा हार्ट का सिस्टम है ये रेगुलेट कैसे होता है हमारी बॉडी में हर चीज को रेगुलेट करने के लिए नर्वस सिस्टम को काम दिया गया है जिम्मेदारी दी गई है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हार्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चों जो नर्वस सिस्टम से रेगुलेट नहीं होता मतलब ठीक है नर्वस सिस्टम का भी हार्ट पे कंट्रोल होता है बट जो नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स का इंतजार नहीं करता कि नर्वस सिस्टम सिग्नल देगा तो हम बीट करेंगे हार्ट बीट हमेशा चलती रहती है क्योंकि हार्ट इज ऑटोजेनिक मायोजेनिक हार्ट की मसल्स खुद बिना ब्रेन uh, से सिग्नल मिले कैन इनिशिएट द हार्ट बीट यानी नेचर ने हमारी जो कार्डियक मसल्स वाली लेयर है ना मायोकार्डियम उन मायोकार्डियम में कुछ सेल्स को सेल्फ स्टिमुलेटेड बनाया है वो सेल्स थोड़ी थोड़ी देर में सिग्नल्स जनरेट करती रहती हैं जिससे हार्ट की सारी मसल्स पंप पंपिंग एक्शन करें दे डू नॉट डिपेंड ऑन द सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन वो खुद हार्ट की बीट को इनिशिएट करती हैं बट क्या इसका मतलब ये है कि हमारे हार्ट का ब्रेन से कोई कनेक्शन ही नहीं है नहीं ऐसा नहीं है अगर हार्ट बीट को बढ़ाना है या कम करना है हार्ट बीट में जो चेंज करना है ऑल्ट्रेशन करना है वो तो किसको पता चलेगा ब्रेन को ही पता चलेगा तो यस yes, ब्रेन से एक वेगस नर्व आती है पैरासिम्पथेटिक नर्व आती है जो हार्ट में जाती है और वो हार्ट को सिग्नल्स देती है नॉट ओनली पैरासिम्पथैटिक मतलब सिंपैथैटिक भी होती है हम आगे पढ़ेंगे तो ब्रेन से नर्व्स हार्ट में भी जाती हैं हार्ट बीट को कम ज्यादा करना ब्रेन का काम है बट हार्ट बीट को इनिशिएट करना खुद हार्ट का ही काम है जिसके लिए हमारे हार्ट के पास होता है स्पेशल नोडल टिश्यू बहुत बार आप लोग ना ये नोडल टिश्यू पूरा पढ़ लेते हैं बट आपको एग्जैक्टली exactly समझ में नहीं आता कि नोडल टिश्यू है क्या जैसे आपकी एनसीआर में जो डायग्राम है एक ही डायग्राम में सब कुछ बताया एन में तो ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर दिखाए हैं ना दिस इज द नोडल टिश्यू ये हार्ट की ही वॉल का पार्ट है तो ये नोडल टिश्यू कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों कार्डियक मसल्स है ना जो अभी हमने देखा था मिडिल लेयर में प्रेजेंट होती हैं उन्हीं कार्डियक मसल्स का मान लो ये पर्टिकुलर एक रीजन है जिसको नेचर ने सेल्फ स्टीमुलेटरी बनाया है तो इसको आप नोडल टिश्यू बोलेंगे तो नोडल टिश्यू कार्डियक मसल के वो पैचेज हैं जो खुद हार्ट बीट को जनरेट कर सकते हैं ऐसे चार स्पेशल जोन्स हार्ट की मसल में प्रेजेंट है हार्ट की वॉल में प्रेजेंट है बट उन चारों में से हार्ट बीट को शुरू करने का काम सबसे पहले पैच का है जिसका नाम है एसे नोड ये देखो चार टिश्यू कौन कौन से हैं पहले तो अलग कलर से इनको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर तो हमने मैक्सिमम कलर्स यूज कर लिए हैं चलो ये ले, ले लेते हैं तो पहली तो है एसे नोड ये रही एसे नोड दूसरी है एवी नोड इससे निकल रहा है ये दिख रहा है आपको ये जो निकलता है इसको कहते हैं एवी बंडल इस बंडल की दो ब्रांच होती है राइट एंड लेफ्ट और फिर ये ब्रांचेज छोटे छोटे फाइबर्स देती हैं यहाँ पर एक ही दिखाया है, बट ऐसे बहुत सारे येलो कलर से बना दें हम मतलब ये वो वो जोन है कार्डियक मसल्स का जो सेल्फ स्टिमुलेटिव है ठीक है तो इनको कहते हैं परकिंजे फाइबर्स क्या कहते हैं इनको इनका नाम लिख देती हूँ मैं दीज आर परकिंजे फाइबर्स ठीक है इनको क्या कहते हैं ए बंडल्स तो एक तो ऐसे नोड दूसरा ए वी नोड तीसरा एवी बंडल्स एंड उसकी ब्रांचेस के साथ नेक्स्ट इज द परकिंजे फाइबर ये राइट एंड लेफ्ट ब्रांच और फिर परकिंजे फाइबर्स है ना तो ये बंडल ऑफ हिज क्या लिख रखा है भाई एक्चुअली में क्या होता है एनसीईआरटी की ही एक लाइन है हाईलाइट करना बहुत बार कंफ्यूज़ करती है बच्चों को कि बंडल ऑफ हिज क्या होता है मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ वेयर इट इज बंडल ऑफ हिज ये रहा अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स ए वी बंडल यही पर है ना एक मिनट रुक जाओ बच्चों सा इन्होंने बंडल ऑफ यहाँ पर डिफाइन नहीं किया बंडल तो के बाद ये जो दो तो ब्रांच निकल रही हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रांच और ये जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं इसको मिलाकर कहते हैं बंडल ऑफ हिस्स तो वॉट इज बंडल ऑफ हिज बंडल ऑफ हिज इज इक्वल टू राइट एंड लेफ्ट ब्रांच किसकी राइट एंड लेफ्ट ब्रांच इस ए वी बंडल की एवी बंडल तो छोटा सा एक कलेक्टिव बंडल है और जैसे ये ब्रांच में डिवाइड होता है तो आप इसको राइट एंड लेफ्ट ब्रांच बोल दो प्लस जो इससे पुरकिंजे फाइबर्स जा रहे हैं इस पूरे पार्ट को मिलाकर इन्होंने लिख दिया है बंडल ऑफ हिस्स ठीक है तो ऑप्शन में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है आप देख लेना ठीक है ना तो नोडल टिश्यू का मतलब समझ में आया आपको कि जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं उन कार्डियक मसल्स में कुछ स्पेशल जोन्स हैं मस्क्युलर पैचेस हैं जो ये कैपेसिटी रखते हैं कि वो हार्ट बीट को इनिशिएट कर सकते हैं अब वैसे तो ये कैपेसिटी चारों के पास है लेकिन जो मैक्सिमम पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेसिटी है ना वो इसके पास है मतलब ऐसे नोड ना एक मिनट में सत्तर से 70 तो 75 सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव टाइम्स हार्ट बीट को इनिशिएट कर सकती है और इतना ज़रूरी है हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए तो इसलिए नेचर ने ऐसे नोड को बना दिया पेस मेकर ऑफ हार्ट पेसमेकर मतलब जो हार्ट के बीट को रेगुलेट करेगा इनिशिएट करेगा उसको कहते हैं पेसमेकर तो बहुत बार क्वेश्चन आता है विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेसमेकर ऑफ हार्ट तो नोडल टिश्यू में जो ऐसे नोड है उसको कहते हैं पेसमेकर क्योंकि वो मैक्सिमम पोटेंशियल जनरेट करती है एनसीआरटी में हाईलाइट कर लेना आप ये पॉइंट ये देखो लिखा हुआ है कि द ऐसे नोड द ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 हमारी हार्ट बीट कितनी होती है एवरेज हम बोलते हैं 72 पर मिनट वो इसी ऐसे नोड की वजह से है ठीक है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हर्ट जो रिदमिक एक्टिविटी चल रही है उसको इनिशिएट भी करती है और उसको मेंटेन भी करती है दे फोर इट इज कॉल्ड द पेसमेकर कई बार तुमने सुना है ऐसी सर्जरीज करनी पड़ती हैं जैसे ये ऐसे नोड खराब हो जाती है कई बार लोगों में तो फिर सर्जरी करके आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगाया जाता है एक बैटरी ऑपरेटेड शिप लगाई जाती है जिसमें कि वो क्या करती है ऐसे नोट को की जगह हार्ट के बाकी कार्डियक मसल्स को सिग्नल्स देती रहती है उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है ठीक है और फिर वो उस पर्सन के हार्ट को चलाती है ना मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है बच्चों तो यस आर्टिफिशियल पेस मेकर्स भी लगाए जाते हैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना पूरी क्लास इसी में चली जाएगी ठीक है तो ऐसे नोड़ समझ में आया आपको अच्छा एक चीज और देख लो कि इनके जो नामकरण किए हैं हमने ऐसे नोड़ भी नोड़ी देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से दिखाएं पुर किनजे फाइबर्स वगैरह ये किस बेसिस पर किए हैं तो ये इस बेसिस पर किए हैं बच्चों कि जैसे जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है ना साइनो एट्रियल नोड ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है साइनो एट्रियल नोड तुम तो ध्यान से इसकी लोकेशन देखो बहुत बार क्वेश्चन आया है ये राइट एट्रियम पे है राइट एट्रियम के भी राइट साइड पर है ये राइट एट्रियम का राइट साइड या लेफ्ट साइड तो राइट एट्रियम के राइट साइड पर है अपर या लोअर अपर तो इट इज सिचुएटेड ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आट एट्रियम ठीक है जबकि एवी नोड कहाँ है एवी नोड भी राइट right एट्रियम में ही है बट राइट एट्रियम के लेफ्ट साइड पर है और लोअर साइड पे है तो इसकी पोजीशन है लोअर लेफ्ट साइड ऑफ राइट एट्रियम दोनों राइट right एट्रियम की वॉल में है एक अपर राइट साइड पे एक लोअर लेफ्ट साइड पर ठीक है और इसका नाम एवी नोड क्यों है क्योंकि यहीं पर एवी बंडल आ जाएगा ये देखो दिख रहा है एवी बंडल तो एवी बंडल के जस्ट पास है इसलिए इसका नाम रख दिया एवी नोड एट्रीओ वेंट्रिकुलर नोड ठीक है इससे ज्यादा अच्छा मुझे ये वाला डायग्राम लगा इसमें अच्छे से ऐसे नोड एवी नोड फिर छोटा सा ये एवी बंडल दिखाया है फिर उसकी लेफ्ट एंड राइट ब्रांच दिखाई है फिर उससे घूमते हुए पुरकिंजे फाइबर्स है। ठीक है फटाफट इसको NCRT में देख लें द द एंटायर एंटायर स्ट्रक्चर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स यस वी नो मायोकार्डियम इसको क्या कहते हैं हम मायोकार्डियम द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन ऑफ एट्रिया ये पॉइंट भी ध्यान रखना मैंने पहले भी बताया आपको कि वेंट्रिकल और एट्रिया को कंपेयर करोगे तो वेंट्रिकल्स का साइज़ भी बड़ा है और वेंट्रिकल्स की वॉल भी थिकर है क्योंकि उनको दूर तक ब्लड पंप करना है ओके जैसे आप इस डायग्राम में देखो कितना अच्छे से दिख रहा है एट्रिया की वॉल कंपेरेटिवली थिन है जबकि वेंट्रिकल्स की वॉल देखो कितनी मोटी है ओके okay. अच्छा हाँ बच्चों एक चीज़ और आपके हार्ट में ना ये थ्योरी में कहीं नहीं लिखा बट आपको हार्ट में ये अंदर वॉल्स को पकड़ी हुई कुछ रस्सियां दिख रही हैं दीज आर द कॉडी टेंडिनी इसका जिक्र कहीं भी नहीं किया बट इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉर्डी टेंडिनी ये क्या होता है भाई हाईलाइट कर दो इसे कॉडी टेंडिनी कॉडी टेंडिनी क्या होता है कि भाई ये जो हमारे वॉल्व्स है ना जैसे यहाँ पर सेमी सेमील्यूनर वॉल्व है यहाँ पर एवी वॉल्व है ट्राइक स्पीड और बाइक स्पीड वॉल्व तो जब भी इन वॉल्व्स को खोलना है तो ये रस्सियाँ खींचेंगी और जब इन वॉल्व्स को बंद करना है तो ये रस्सियाँ ढीली हो जाएंगी ये वॉल्व बंद हो जाएगा ये वॉल्व भी बंद हो जाएगा तो कॉर्डी टेंडिनी इन वॉल्व्स को कंट्रोल करती हैं जिससे ये वॉल्व खुले बंद हो प्लस ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब ये वॉल्व बंद हो रहे हो ना तो कहीं पलट के पीछे ना चले जाए एट्रियम में ना चले जाए और ऐसे खुल ना जाए वापस से तो फिर पर्पज ही नहीं होगा इनका पूरा इसलिए कॉडी टेंडिनी इन पर एक पकड़ बनाए रखती हैं जिससे वॉल्व उतने ही इन्वर्ट हों जितना जरूरी है ओवर इन्वर्ट ना हो जाए ठीक है तो कॉडी टेंडनी का फंक्शन आप यहीं पर लिख लो दे प्रिवेंट दे प्रिवेंट ओवर इन्वर्जन ऑफ ए वी वॉल्व दोनों तरफ हैं एवी वॉल्व्स या आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो दे प्रिवेंट दे कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए वी वॉल्व ठीक है क्लियर और अच्छा ए वी वॉल्व्स का क्या फंक्शन है भाई एस एल वी वॉल्व तो हमने देखा ब्लड के बैक फ्लो को रोकेंगे ए वी वॉल्व क्या करते हैं जब हम नेक्स्ट सेशन में कार्डिय साइकिल पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जब हमारे दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना ब्लड को पंप करने के लिए फोर्स लगाते हैं ये ब्लड को इधर डालेगा ये इधर डालेगा तो तुम सोचो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड पीछे भी तो जाएगा पॉसिबिलिटी है कि ब्लड पीछे एट्रिया में वापस चला जाए एट्रिया से तो आया एट्रिया में ही चला जाए तो एट्रिया में ना जाए ब्लड का बैक फ्लो ना हो इसके लिए इन वॉल्व्स का बंद होना ज़रूरी है तो जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने वाला होता है उसे जस्ट पहले इधर का और इधर का ट्राइकस्पिड और बायकस्पीड वॉल्व एक साथ बंद हो जाते हैं तो अगेन इनका भी काम क्या है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड कहाँ से कहाँ वेंट्रिकल से एट्रिया में एस एल वी क्या कर रहे हैं बैक फ्लो को रोक रहे हैं एओर्टा से वेंट्रिकल में ठीक है ये बातें आपको वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखनी है कॉडी टेंडिनी समझ में आ गया ना और एन सी आर टी में दिखाया नहीं बट यहाँ पर ये यह जो हार्ट ये जो वेंट्रिकल की मसल्स हैं ना इन पर कॉडी टेंडिनी को पकड़ने के लिए ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं बच्चों ठीक है ना ये देखो ये हल्का हल्का दिखाया इन्होंने ये रहा ये एक प्रोजेक्शन ये रहा इसमें एक प्रोजेक्शन ये रहा तो ये इनको कहते हैं पैपिलरी मसल्स प्रोजेक्शंस के लिए पैपिली आता है ना तो दीज आर द पैपिलरी मसल्स तो वेंट्रिकल्स में इंटरनली अगर हम देखें तो हमें कुछ पैपिलरी मसल्स भी दिखेंगे यहाँ पर तीन प्रोजेक्शन दिखेंगे तीन वॉल्स के लिए तीन है यहाँ पर दो प्रोजेक्शन दिखेंगे ठीक है क्लियर नाउ तो अब आते हैं अ स्पेशलाइज कार्डियक मस्क्यूलेचर देखो यहाँ पे लिखा है नोडल टिश्यू क्या है कार्डियक मसल्स ही हैं स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट ये कोई हार्ट के सेंटर में या कोई अलग से नहीं है कार्डियक मसल्स का ही स्पेशलाइज जोन है अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द पहला पैच कहाँ प्रेजेंट है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम जिसको आप कहते हो ऐसे नोड दूसरा पैच कहाँ प्रेजेंट है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम जिसको आप कहते हो एवी नोड ठीक है देन बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स इस एवी नोड से नोडल फाइबर्स का एक बंडल निकलता है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जिसको आप कहते हो एवी बंडल छोटा सा है ना जैसे अगर ये अगर ये ऐसे नोड है ये एवी नोड है तो एवी नोड से छोटा सा बंडल निकलेगा दिस इज एवी बंडल और तुरंत ये डिवाइड हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट ब्रांच में और फिर घूम जाएगा ठीक है कंटिन्यूस फ्रॉम द एवी नोड विच पासिस थ्रू द एट्रीओवेंट्रिकुलर सेप्टर टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है तो उसके टॉप पर आया ये और क्या हुआ इमीडिएटली डिवाइड इन टू राइट एंड लेफ्ट बंडल राइट एंड लेफ्ट बंडल ठीक है दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स ये रहे माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्क्युलेचर पूरी वेंट्रिकुलर मसल्स तक सिग्नल पहुंच सके इसके लिए पूरे में छोटे छोटे स्पेशल जोन्स बना दिए ठीक है ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड दीज आर कॉल्ड परकिेंजे फाइबर्स ओके दिस नोडल मस्क्यूलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल इसके पास खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी है पूरे मस्क्यूलेचर के पास इस पूरे स्पेशल मस्क्यूलेचर के पास ठीक है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टीमुलाए इसको किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है ये खुद अपने आ, काम जनरेट कर सकता है खुद खुद को सिग्नल देता है ये विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टीमुला है दैट्स वाई इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल लेकिन फिर भी अगर चारों के पास ये कैपेसिटी है तो ऐसे नोड को ही पेस में कर क्यों बनाया क्योंकि हाउ एवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट इसकी अलग कैपेसिटी है इसकी अलग है सबकी अलग अलग है तो मैक्सिमम कैपेसिटी किसके पास है ऐसे नोड के पास द ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट और ये मैक्सिमम पोटेंशियल कितने जनरेट करती है एक मिनट में सत्तर से पिचत्तर बार हार्ट की मसल्स को कहती है काम करो यानी एक मिनट में एक मिनट में सेकंड्स देखो तो वो भी साठ होते हैं उससे भी ज़्यादा बार ये कह रही है हार्ट की मसल्स को कि ब्लड को पंप करो फटाफट फटाफट क्योंकि पूरी बॉडी को ब्लड की ज़रूरत है है ना तो इसलिए हमारी हार्ट बीट क्या है दैट इज 72 पर मिनट वो किससे डिसाइड हुई इट डिपेंड्स ऑन द एक्शन पोटेंशियल्स जनरेटेड बाय ऐसे नोड समझ में आ गया तो इस तरह हमारा हार्ट काम करता है नेक्स्ट सेशन में जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तो वहां हम इन इस नोडल मस्क्यूलेचर को कनेक्ट करेंगे हार्ट की एक्टिविटीज से कि ऐसे नोड ने किसको सिग्नल दिया ए वी नोड ने किसको दिया कैसे सिग्नल वेंट्रिकल की मसल्स तक पहुँचे और हमारे हार्ट ने ब्लड को पूरी बॉडी में पंप किया ठीक है नेक्स्ट सेशन मिस नहीं करना कार्डिक साइकिल इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बट आज एक बार खुद से ये जो हार्ट के डायग्राम्स हमने बनाए हैं उनको खुद बना के देखना पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना हार्ट का फिर उसके बाद कौन कौन से वेन्स आर्टरीज वॉल्व्स हार्ट में प्रेजेंट हैं उनको ड्रॉ करके देखना जब ये इमेज एकदम फिट हो जाएगी दिमाग में तो आपको कार्डिक साइकिल अच्छे से समझ में आएगी ठीक है चलो गुड बाय